तो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जेनेवा में ऑर्गेनाइज की गई मीटिंग में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा से एक रिप्रेजेंटेटिव ने पार्ट लिया। उन्होंने क्लेम किया कि स्वामी नित्यानंद और अन्य कई हिंदूज को इंडिया में परसिक्यूट किया जा रहा है, इसीलिए उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा नाम का एक हिंदू नेशन बनाया है जिसे दूसरी कंट्रीज के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। लेकिन आखिर ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा है कहां पर? तो दोस्तों, साउथ अमेरिकन कंट्री इक्वेडोर के अंडर आने वाले एक आइलैंड पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा को बनाने का दावा किया गया है। क्लेम तो ये भी है कि इस कंट्री का खुद का पासपोर्ट, करेंसी, फ्लैग और रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा नाम का एक बैंक भी है। यहाँ तक कि स्वामी नित्यानंद ने 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा के लिए फ्लाइट्स भी अनाउंस की थी। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी आइलैंड पर एक कंट्री को एस्टैब्लिश किया जा सके? साउथ अमेरिकन कंट्रीज में ऐसे कई आइलैंड हैं जिन्हें अमीर लोग खरीद कर वहाँ अपने लिए लग्जूरियस हॉलीडे डेस्टिनेशन बनाते हैं, पर एक कंट्री बनाने के लिए डिफाइंड टेरिटरी, फंक्शनिंग गवर्नमेंट, पॉपुलेशन जैसे कई सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है, जो कैलासा अभी तक प्रूव नहीं कर पाया है, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस में उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया।